माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और ऐसा मज़ा आएगा खाने में। और आप लोग जब खाएंगे ना तो आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है कि दादी कैसी दाल पकी है मलाई वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए माश की दाल लेके आई हूँ। आपको पता है ये दाल भी एक बादशाही दाल होती है। और ये देखें, एक कप मैंने ये दाल ली है जो मैंने पहले गीली की थी। गीली करने के बाद अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा उबालने के लिए रख दिया है। उबाल मैं इसलिए रही हूँ, एक तो ये उबाल के रख दो, जैसे ढाबे में यही होता है, उबाल के रखी हुई होती, मसाला बनाया और सब कुछ किया और बीच में दाल डाली, जल्दी बन जाती, झटपट बन जाती। दूसरा ये है इसका फ़ायदा कि इसका बादी पानी जो होता है वो निकल जाता है, इसलिए मैंने इसको हल्का हल्का उबाला है। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कि अच्छा, ये देखिए फ्राई पैन में मैंने ये तेल डाला सरसों का। आपको पता अब मैंने छोड़ दिया दूसरा तेल, अब सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। और इंशाल्लाह मुझे लगता है आप लोग भी करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये देखिए मैं इसमें ये तेल डाल रही हूँ सरसों। फिर आपको पता माश की दाल में ज़रा ज़्यादा ही डलता है तेल, और वैसे भी शाही दाल बन रही है तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा तेल इसको ज़्यादा डाला है। ये अब मैं इसमें ये लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन अदरक मैं इसमें ये कूट कर ये डाल रही हूँ, लहसुन भी और अदरक भी है। देखिए एक चम्मच ये वाला, ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें ये चार मिर्चें ये सुरख डाल रही हूँ, ये देखें, और ये एक बड़ी इलायची, ये दो छोटी इलायची और ये दो इलायची, ये दालचीनी, ये दो छोटे छोटे टमाटर हैं इनका मैंने ऊपर से छिलका उतार दिया, और ये एक हरी मिर्च है। ये देखें ये है दो आधी आधी चम्मच दड़ी भी और सुरख मिर्ची भी, और ये है ज़ीरा एक चम्मच, ये भी एक चम्मच, ये भी एक चम्मच, नमक, ये तीनों चीज़, ये सब देखें सबके ये डाल रही हूँ इसमें। ये अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि ये मसाला ना गले। अब ये थोड़ा सा और पके, फिर वे इसमें दाल डालेंगे। उसके बाद एक सीक्रेट चीज़ है वो आज मैं आपको बाद में डाल के बताऊँगी। दाल में हो गई है, ये देखें अब मैं इसका पानी निकालने लगी हूँ। कम पके दाल, वैसे माश की दाल मुझे पसंद भी बहुत है, मैं बहुत खाती हूँ। सफ़ेद दाल पकानी, गोश्त में पकानी, कीमे में पकानी, और फिर इसके भल्ले बनते हैं। मैंने एक दफ़ा आपको शायद बताए थे, अब तो फिर बेचारा एक दो दिन उन्हें कुछ करूँगी, कोशिश बनाऊँगी। आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताया, आजकल कमेंट मेरे बहुत कम आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही, कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो बताएं। अब जो चीज़ आपको पसंद है आप मुझे वो बताएं, वो मैं आपको बना दूंगी। पिंडियाँ किसी ने कहा था वो भी मैंने बनाई है। दाल को मैंने पानी निकाल दिया, अब ये मैं दाल डाल दी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको थोड़ा सा दम दें ताकि ये थोड़ी सी गले। फिर मैं आपको बता दूँ जो मैंने आपको कहा था सीक्रेट, वो आप ये देखें, ये मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। ये एक चम्मच मलाई, ये बादशाही मुगलियाई दाल पक रही है। आपको ढाबा स्टाइल ही नहीं लग रहा, लग रहा है ना? अभी इसमें और चीज़ें भी पड़ेंगी, अदरक उतर पड़ेगा, हरा धनिया पड़ेगा, ज़रा इस पर रौनक आएगी, मगर स्टाइल देख रहे हैं वही है। और आप वहाँ पे जो खाएंगे उसके खाने के बजाय नहीं, आप खुद घर में बनाएं, बना पकाएं, ए वन
पकती है, कोई मुश्किल नहीं है, और वही जायका हो, आप आजमा के देखना, पका के देखना। ये देखें तेल अब इसका ऊपर आ गया। अब मैं इसमें ये धनिया और ये अदरक डाल रही हूँ, ठीक है। देखिए आपको पता चला ना कि रौनक है दाल में। ये ले, ये सात हरी मिर्चें ली हैं, मज़े के। अब देखें खुद माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, और ऐसा मज़ा आएगा खाने में। और आप लोग जब खाएंगे ना तो आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है कि दादी कैसी दाल पकी है, मलाई वाली क्रीम शाही माश की दाल आपको कैसी लगी, आपने लाजमी मुझे बताना है कमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वन मजे की। अब मैंने रोटी पकवानी है, बेटी मेरी अभी रोटी पकाएगी, फिर मैं खाऊंगी।